मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। अब खुद देखिए विवरण रहता है इनका, मतलब खेलकूद, खेलकूद स्वाभाविक है, बच्चा हर कोई पहले खेलकूद का पन्ना देखता है न्यूज़पेपर में, बाद में सिनेमा, मौसम की भी जानकारी होती है। अब जैसे मौसम की जानकारी आप देख लीजिए, आज हमारे बैंगलोर में बारिश हो रही है तो बारिश के बारे में बताते हैं, या फिर बहुत ज्यादा या कोई तूफानी हवा चलने वाली है, वेदर फोरकास्ट के बारे में भी बताते हैं, मौसम की जानकारी उसे कहते हैं। नौकरी संबंधी विज्ञापन, हाँ ये एक कॉलम रहता है इसमें, जैसे नौकरी संबंधी विज्ञापन, नौकरियों के बारे में आपके समाचार पत्र में भी एक कॉलम रहता है। तो विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट, तो जॉब वैकेंसी के लिए पेपर में ये सब मतलब छपते हैं। बाजार भाव, अब बाजार भाव में जो है कृषि संबंधी सूचनाएं मिलती है, तो बाजार भाव का अर्थ है शेयर मार्केट का न्यूज भी होती है। कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है, कृषि से संबंधित यानी जो फार्मर्स के लिए जो भी व्यापार करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं उससे भी संबंधित आपको सूचनाएं इसमें मिल जाती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझ पे जान सकते हैं। बेटे इसमें बहुत सारे पजल्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, पजल्स होते हैं। अब जैसे मैट्रिमोनियल मतलब विवाह संबंधी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, और ये भी होते हैं। परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा उपयोगी जो मैं परीक्षा लिखने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी, परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र में रहते हैं। परीक्षा फल, बिल्कुल सही, परीक्षा फल यानी रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट्स भी जो है आपको समाचार पत्र में मिल जाते हैं। तो ये सब जो जानकारी है ये समाचार पत्र में मिल जाते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। हाँ बिल्कुल सही, बड़े बड़े लेखक उनकी रचनाएं इसमें लिखते हैं या प्रकाशित करते हैं, जैसे विशेषांकों में जीवनी। जीवनी का अर्थ क्या है, जैसे कोई के विषय में जीवनी का अर्थ क्या है, तो जीवनी का अर्थ क्या है, बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखना, या कविताएं, छोटी छोटी कविताएं रहती है, एकांकी, नाटक, छोटी एकांकी रहती है, नाटक रहती है, कहानियां रहती है, और उसके साथ में आलोचना। आलोचना का अर्थ क्या है, क्रिटिक। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाती है, और फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ, अर्थात कृषि संबंधी एग्रीकल्चर से जो भी संबंधित विशेष जानकारी रहती है वो समाचार पत्र में मिल जाते हैं। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का मतलब क्या है, साइंटिस्ट, आविष्कारों का मतलब क्या है, खोज। तो उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिक खोजों के बारे में भी जानकारी यानी परिचित होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि संग्रह की कोई और ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी आप अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे, संग्रह का मतलब क्या है, किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। अब यहाँ पे क्या बताया गया, समाचार पत्र में जैसे बच्चों को खेल में बहुत ज्यादा रुचि है, अब जैसे मान लो ध्वनि है, ध्वनि की जो पिक्चरें हैं या फिर उनकी जो चित्र है वो काट कर वो रख लेते हैं, खासकर खेलों के संबंधित जितनी भी है, और उसके अलावा बहुत सारी जानकारियां क्या करते हैं और उसे काट कर रख लेते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ, बिल्कुल सही, मैं आज मैं व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग, मतलब मेरे बगैर
उनका खाना पीना मुश्किल है। अभिन्न अंग बन गया हूँ, अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। बिल्कुल बहुत सहायता करेंगे, मतलब भाषा के रूप में, जानकारी के रूप में, इन सब में वह बहुत ज्यादा समाचार पत्र आपकी सहायता करेगा। तो इस तरह से समाचार पत्र कह रहे हैं, एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। बिल्कुल सही, अगर जिसने भी न्यूज़पेपर या समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दिया तो मान लो ऐसा लगता है जैसे एक दिन अगर नहीं पढ़े तो लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं, तो वो एक रिश्ता सा बन जाता है। अच्छा बच्चों, जैसे आजकल आपके हाथ में मोबाइल, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल अच्छी चीज है जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मोबाइल बहुत ज्यादा हमें जो है गलत रास्ते पर ले जाता है। तो अगर एक बार आपके हाथ से मोबाइल अगर हम छीन ले तो आप लोगों को बहुत बेचैनी शुरू हो जाती है और कहने लगते हैं कि नहीं हमें वापस मोबाइल चाहिए। तो जहां तक हो सके मोबाइल से आप दूर रहिए, लेकिन उससे रिश्ता बनाए रखना भी जरूरी है क्योंकि उसमें हमें अच्छी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चलिए आज से ही ये आदत डाल लीजिए कि हम लोग न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि ध्यान से सुनो, इससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ने से देश विदेश की खबरें हमें मिल सकती हैं और उसके साथ शब्द भंडार में हमारे सुधार होता है, अर्थात वोकैबुलरी इसमें हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। तो बच्चों, सबसे अच्छा हमारा साथी पुस्तक है। बिल्कुल सही, पुस्तक क्यों हमारा, अच्छी पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद।